Good morning, students. Today we will discuss about next chapter of the same unit. ठीक है, last time हमने जो study किया था laws of motion को study किया था, ठीक है, उसमें हमने देखा कि Newton's के laws जो किस तरह से applications उसके apply होती है, ठीक है, उनके different different forms के बारे में हमने study किया था. Now today we will discuss about the same unit but the chapter 7. Now this chapter is related to the friction. ठीक है, इसमें हम डायरेक्ट न्यू टर्म पढ़ेंगे एक, इसके बारे में, फ्रिक्शन के बारे में, एज वेल एज द डायनामिक्स ऑफ द सर्कुलर मोशंस के बारे में स्टडी करेंगे. ठीक है, तो कुछ एक डेफिनेशन से पहले हम उनको स्टडी कर लेते हैं. फ्रिक्शन, पहले हम देखो फ्रिक्शन होता क्या है. फ्रिक्शन विच अपोजिस द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट. ठीक है, मान लो मेरे पास एक बॉल है, ठीक है, आई थ्रो इट विद सम काइंड ऑफ द फोर्स, किस फोर्स के साथ मैं इसको थ्रो करता हूं, तो ऑब्वियसली ये बॉल विल मूव ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, बट अल्टीमेटली इट कम्स टू रेस्ट. मान लो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी थी 5 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी रहेगी 3 मीटर पर सेकेंड और यहाँ पे इसकी वेलोसिटी रहेगी 0 मीटर पर सेकेंड. यानी कि अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को फेंकते हो या थ्रो करते हो किसी भी तरीके से, ठीक है, तो अल्टीमेटली आफ्टर कवरिंग अ सर्टेन डिस्टेंस इट कम्स टू रेस्ट. क्या हो जाता है, इट कम्स टू रेस्ट, मतलब ये रुक जाएगी बॉल आपकी. ठीक है, तो ये बॉल रुकी क्यों. ठीक है, द फोर्स विच कॉसेस द इंपीडिंग द मोशन ऑफ दिस ऑब्जेक्ट, ठीक है, दैट काइंड ऑफ द फोर्स इज कॉल्ड द फ्रिक्शनल फोर्स. उसी फोर्स को हम क्या बोलते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स बोला जाता है उसको. क्लियर बात है सभी को. ठीक है, तो फ्रिक्शन होता क्या है, विच अपोजिस द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट. यहां पर क्या हुआ, मैंने तो मोशन उसको दिया था, अल्टीमेटली ये तो रुक गया था, लेकिन इसको रोका किसने, फ्रिक्शनल फोर्स में. ठीक है, तो फ्रिक्शनल फोर्स किस डायरेक्शन में लगती है, इट ऑलवेज एक्ट अपोजिट टू द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट. ठीक है, अपोजिट टू द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के मोशन के ठीक अपोजिट फोर्स लगती है. ठीक है, तो दैट रिप्रेजेंटेड विद द स्मॉल एफ, इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट. तो यहां पे भी फ्रिक्शनल फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगेगी. ठीक है, तो दिस काइंड ऑफ द फोर्स इज कॉल्ड एज द फ्रिक्शनल फोर्स. इसी फोर्स को हम क्या बोलते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स बोला जाता है. तो यहां पे हमारे पास ये आती है फ्रिक्शनल फोर्स की डेफिनेशन क्या होती है, द विच अपोजिस द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, वो ऑब्जेक्ट के मोशन को जो अपोज कर देगा. ठीक है, और वो अल्टीमेटली उसको कम्स टू रेस्ट, उसको रेस्ट में ले आएगा, दैट काइंड ऑफ द फोर्स इज कॉल्ड द फ्रिक्शनल फोर्स. ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज द कॉज ऑफ द फ्रिक्शन, दिस वन इज द इंपॉर्टेंट वन, व्हाट इज द एक्चुअल कॉज ऑफ द फ्रिक्शन, फ्रिक्शन होता क्यों है. ठीक है, अब देखो फ्रिक्शन किसकी वजह से होता है, जब हम अगर इस बोर्ड के ऊपर लिख रहा हूं तो क्या ये बोर्ड बड़ा ज्यादा स्मूथ है, नहीं, अगर ये बड़ा ही ज्यादा स्मूथ होता तो आई एम नॉट एबल टू राइट ऑन दिस बोर्ड. ठीक है, तो मैं इस बोर्ड के ऊपर लिखने के लिए नहीं हो सकता था, एबल नहीं हो सकता था. ठीक है, अब क्या होगा, जब हम माइक्रोस्कोप के अंडर देखेंगे तो ये बोर्ड एकदम से स्मूथ नहीं है, चाहे आपका ग्लास पेन ले लो, विंडो पेन ले लो, ठीक है, या आपका कुछ शीशा ले लो, मिरर ले लो, मिरर के ऊपर भी अगर आप इस तरह से हाथ लगाओगे तो आपको ऐसा फील होगा कि दिस इज अ वेरी स्मूथ. ठीक है, तो बड़ा ज्यादा स्मूथ और उसमें फ्रिक्शन है ही नहीं है, बट व्हेन यू सी दिस मिरर अंडर द माइक्रोस्कोप यू सी दैट देयर इज अ वेरी लिटिल बिट कर्व्स. ठीक है, इस तरह के कर्व्स होते हैं हर एक सरफेस में. ठीक है, विच इज द एक्चुअल कॉज ऑफ द फ्रिक्शन, क्योंकि हर एक सरफेस जो होता है वो स्मूथ नहीं होता है. ठीक है, जब तक हम उसको खुद ना बनाए, तो एक सरफेस में क्या होता है, इस बोर्ड में भी इस तरह के कर्व होंगे, ये छोटे छोटे डम्प्स होते हैं इन बोर्ड्स में भी. जब हम माइक्रोस्कोप के अंडर इसको बोर्ड को देखेंगे तो यहाँ पे हमारे को हमें इस तरह के कर्व नजर आएंगे. ठीक है, तो क्या होता है, जब बॉडी यहाँ पे इसके ऊपर रोल डाउन करती है, स्लाइड करती है, जिस तरीके से भी जाती है, तो क्या करती है, ये कर्व जो है ये फ्रिक्शन क्रिएट करवाते हैं. क्यों क्यों क्रिएट करवाते हैं, क्योंकि इस ऑब्जेक्ट को ये कर्व को ओवरकम करना पड़ता है. ठीक है, अगर मान लो इसको थोड़ा सा मैं वाइडर व्यू ले लेता हूं, इस तरह से वाइडर व्यू ले लेता हूं, तो बॉल का शेप जो होगा वो कुछ इस तरह से होगा. ठीक है, बॉल बहुत ज्यादा बड़ी होगी तो वो माइक्रोस्कोप के अंदर देख रहा हूं मैं. ठीक है, तो क्या होगा, बॉल ने क्या करना है, ये कर्व, ये जो पोटेंशियल इसके लिए क्रिएट हो गया हुआ है, इसको ओवरकम करना है. ठीक है, मतलब रोल करते हुए इसको ओवरकम करके आगे की तरफ जाना है. तो यहाँ पे ये जो इसको एनर्जी डिसिपेट हो रही है, क्या हो रही है, यहाँ पे इसके एनर्जी डिसिपेट हो रही है. ऑब्वियसली अगर हम फ्लैट रोड पे चलते हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं होती, हम स्ट्रेट चले जाते हैं, बट इन केस सपोज कर लो
अगर हमारे पास आगे कर्व आ जाता है इस तरीके से, तो हमारी एनर्जी जो होती है वो ज्यादा लगती है। तो सेम मैनर में यहाँ पे भी बॉडी के लिए क्या हो रहा है, कर्व सरफेस को ओवरकम करने के लिए उसकी एनर्जी जो वो डिसिपेट हो रही है। ठीक है, एनर्जी डिसिपेट हो रही है, तो वो एनर्जी जो है वो कौन डिसिपेट करवा रहा है, दैट इज द फ्रिक्शन। और ये फ्रिक्शन किसकी वजह से होगा, इस कर्व सरफेस की वजह से, कर्व सरफेस की वजह से। ठीक है, तो आपने जब भी आपको कॉज पूछा जाएगा फ्रिक्शन का, व्हाट इज द कॉज ऑफ द फ्रिक्शन, तो आप लोगों ने ये लॉजिक देना। ठीक है, व्हेन यू सी द सरफेस अंडर द माइक्रोस्कोप देयर इज अ वेरी लिटिल डम्प्स, ठीक है, कर्व सरफेस, सो विच प्रोवाइड द फ्रिक्शनल फोर्स इन अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, तो दैट इज द एक्चुअल कॉज ऑफ दिस फ्रिक्शन। तो ये कभी मत सोचना कि हर एक चीज जो स्मूथ होती है। अगर देखो मैं यहाँ पे लिख पा रहा हूँ, तो ये किसकी वजह से लिख पा रहा हूँ, ये मैं किसकी वजह से लिख पा रहा हूँ, फ्रिक्शन की वजह से ही लिख पा रहा हूँ। अगर मान लो फ्रिक्शन नहीं होता तो मैं चाहे पेन जितना मर्जी चलाता रहूँ कोई फायदा नहीं होता। ठीक है, तो इसका एक एक्सपेरिमेंट आप घर में कर सकते हो। क्या करोगे, प्लेन पेपर लोगे, ठीक है, किसी भी तरह का पेपर ले लो, उसमें एडिबल ऑयल जो होता है उसमें एडिबल ऑयल लगा दो अच्छे से, ठीक है, फिर दोबारा से उसके ऊपर लिख के देखना, आप उसमें लिख नहीं पाओगे। ठीक है, दैट इज बिकॉज ऑफ दिस फ्रिक्शनल फोर्स, क्योंकि जब आप उसमें ऑयल लगा देते हो तो ऑयल लगाने से क्या होता है कि जो कर्व होते हैं इन कर्व को कौन कवर अप कर देता है, ऑयल कवर अप कर देता है, तो इस प्लेन क्या करेगा, इसको स्मूथ कर देगा। मान लो आपके घरों में टाइल्स है या मार्बल्स बिछा होता है, ठीक है, तो उसमें भी अगर आप ऑयल लगा दोगे तो आप उसके ऊपर स्मूथ नहीं चल पाओगे, या उसके ऊपर अगर साबुन भी फेंक दोगे, ठीक है, तो उसके ऊपर आप स्मूथली नहीं चल पाओगे। क्यों, क्योंकि वहां पे फ्रिक्शन की वैल्यू जो होती है कम हो जाती है। ये कर्व सरफेस जो होते हैं दैट आर द कवर्ड बाय दिस ऑयल, कौन कवर कर देता है, ऑयल कवर कर देता है। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होता है, स्मूथनेस बड़ी ज्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, सो यू आर नॉट एबल टू मूव ऑन दैट सरफेस, आप उस सरफेस पर आराम से नहीं चल सकते हो। ठीक है, तो दैट इज द कॉज ऑफ द फ्रिक्शन। क्लियर होगी बात सभी को ये। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास स्टैटिक फ्रिक्शन। अब देखो स्टैटिक फ्रिक्शन होता क्या है, मान लो मेरे पास एक बॉडी है विच इज द रेस्टिंग ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, सरफेस पर ये रेस्टिंग है। ठीक है, ये बॉडी है मेरे पास। अब देखो स्टैटिक, स्टैटिक से आप मतलब समझ आ रहे हो किसको रिप्रेजेंट करते हैं, रेस्ट। स्टैटिक का मतलब हुआ रुका हुआ एक जगह पे, ठीक है, तो उस टाइम पे फ्रिक्शन लगेगा उसको हम क्या बोलेंगे, स्टैटिक फ्रिक्शन। कैसे, यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन है इस वक्त नहीं, अभी नहीं है स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, मान लो मैं स्टार्टिंग में अजम्पशन कर देता हूँ कि जो मेरे पास बॉडी है ये 100 किलोग्राम की है, ठीक है, और इसको मूव करवाने के लिए मेरे को जो फोर्स चाहिए दैट इज 1000 न्यूटन। यानी कि जब मैं 1000 न्यूटन इस बॉडी के ऊपर अप्लाई करूंगा तब ये बॉडी मूव करेगी। ठीक है, अब मान लो मैं यहाँ पे खड़ा होके इस बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई करता हूँ, ठीक है, इस बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई करता हूँ, कितनी फोर्स अप्लाई कर रहा हूं मैं, 500 न्यूटन, तो क्या बॉडी चल पड़ेगी, नहीं चलेगी। क्यों नहीं चलेगी, क्योंकि इसका सरफेस जो है वो इस दूसरे सरफेस के साथ जो है रब हो रहा है, इसको चलाने के लिए 1000 न्यूटन फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, लेकिन ये मेरी 500 न्यूटन जो फोर्स जा कहाँ रही है, उसको एक इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ओवरकम कर दे रही है। कौन सी फोर्स, जो इन दो सर्फेस के बीच में लग रही है, कौन सी फोर्स होती है, फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, देखो फोर्स तो मैंने अप्लाई की लेकिन बॉडी चली नहीं, बॉडी नहीं चल रही है तो उस फोर्स को कौन ओवरकम कर रहा है, उस फोर्स को ओवरकम कर रहा है फ्रिक्शनल फोर्स ओवरकम कर दे रही है। ठीक है, अब मान लो अगर मैं यहाँ पे 800 न्यूटन की फोर्स अप्लाई कर देता हूँ तब भी बॉडी नहीं चली। क्यों नहीं चली, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स ने फिर से इसको ओवरकम कर दिया। अब जाकर के अगर मैं यहाँ पे 1000 न्यूटन फोर्स अप्लाई करता हूँ, ठीक है, तो तब जाकर के बॉडी विल स्टार्ट मूव, इस फोर्स पे जाकर के क्या होगी, बॉडी क्या करेगी, मूव करना स्टार्ट कर देगी। ठीक है, क्यों, क्योंकि 1000 अप्लाइड फोर्स, मैं जो एक्सटर्नल फोर्सेस के ऊपर अप्लाई कर रहा हूँ उसको ओवरकम कर रहा है कौन, ये फ्रिक्शनल फोर्स को ओवरकम कर रही है। ठीक है, क्या होगा, फ्रिक्शनल फोर्स की भी स्टैटिक फ्रिक्शन कितनी हुई, 1000 न्यूटन की हुई। जब मैं 1000 सिर्फ जहाँ फोर्स अप्लाई करूंगा तो बॉडी स्टार्ट करना है, मूव करना स्टार्ट कर देगी। अब देखो स्टैटिक फ्रिक्शन क्या हुआ, फिर जब मैंने 1000 से कम फोर्स अप्लाई की थी, यानी कि 9999.9, तो बॉडी नहीं चली थी, नहीं चली थी इस फोर्स पे बॉडी, बॉडी तो 1000 न्यूटन पर चलनी थी। ठीक है, तो जहां तक मैं इसको फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ लेकिन बॉडी चल ही रही है, एंड बॉडी विल स्टार्ट आफ्टर अ 1.1 वैल्यू, और मैं अप्लाई करता हूँ तो बॉडी चलना स्टार्ट कर देगी। ठीक है,
जब बॉडी के ऊपर मैं फोर्स अप्लाई कर रहा था और बॉडी रेस्ट में रह रही थी, तो उस टाइम जो फ्रिक्शन इसके ऊपर एक्ट हो रही थी, दैट फ्रिक्शन इज कॉल्ड द स्टैटिक फ्रिक्शन। इसी फ्रिक्शन को हम क्या बोलते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन बोला जाता है। जब मैंने 500 न्यूटन की फोर्स लगाई तब इसके ऊपर कौन सा फोर्स था, स्टैटिक फ्रिक्शन था। 800 की न्यूटन की फोर्स लगाई तब भी स्टैटिक फ्रिक्शन ही था। 999.9 की फोर्स लगा रहा हूं तब भी ये स्टैटिक फ्रिक्शन ही है। लेकिन जब मैं 1000 के इक्वल फोर्स लगा दूंगा, बॉडी मूव करना स्टार्ट कर देगी, तब वो स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं रहेगा। समझाएगी बात, स्टैटिक फ्रिक्शन तभी रहेगा जब वो बॉडी के ऊपर आप फोर्स लगा रहे हो और बॉडी मूव नहीं कर रही है। आपकी फोर्स को इक्वल बैलेंस कर दिया जा रहा है किसके द्वारा, फ्रिक्शनल फोर्स के द्वारा। तो उस टाइम जो इस बॉडी के ऊपर फोर्स एक्ट हो रही है तो इसको हम क्या बोलेंगे, स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, समझ आई बात सभी को, ये मेरा बात। ठीक है, तो ये बॉल पेन है, इसके ऊपर मैं हल्की सी फोर्स लगाता हूँ तो फोर्स बॉल पेन मूव नहीं कर रहा है। ठीक है, तो क्या होगा, फ्रिक्शनल फोर्स इसको ओवरकम कर रही है। तो इस टाइम जो मैं इसके ऊपर फोर्स लगा रहा हूँ ये चल नहीं रहा है। ठीक है, तो क्या कौन सी फोर्स इसके ऊपर एक्ट हो रही है, दैट इज अ स्टैटिक फोर्स। कौन सी फोर्स एक्ट हो रही है, इसके अपोजिट डायरेक्शन में, स्टैटिक फोर्स जो है अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट हो रही है। फिर होगी बात की। ठीक है, नेक्स्ट आता है लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज द सेम थिंग, लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन 999.9 आफ्टर अप्लाइंग 0.1 न्यूटन मोर फोर्स द बॉडी विल स्टार्ट मूव। बॉडी क्या करने लग पड़ेगी, मूव करना स्टार्ट कर देगी। तो लिमिटिंग, लिमिटिंग का मतलब क्या होता है, लिमिट आ जाएगी उसकी। लिमिट कब होगी, इस पॉइंट पे उसकी लिमिट होगी, क्योंकि 999.9 न्यूटन पर क्या करेगी, ये बॉडी रेस्ट में रहेगी, लेकिन इसके 1 पॉइंट के बाद क्या होगी, ये मूव करना स्टार्ट करेगी। ठीक है, तो उस टाइम के ऊपर जो फ्रिक्शन फोर्स एक्ट करेगी, दैट इज कॉल्ड द लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। उसी को हम क्या बोलते हैं, लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बोला जाता है। क्लियर हुई बात ही सभी को, लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होगा, जब आपकी बॉडी जस्ट गोइंग टू स्टार्ट मूव ऑन द सरफेस ऑफ दिस अर्थ। ठीक है, ये सरफेस पर जब ये बॉडी स्टार्ट करने ही वाली होती है, उतनी जो मैक्सिमम फोर्स यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स एक्ट होती है, उसी को हम बोलते हैं लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। यानी कि अब इस लिमिट के बाद क्या होगा, बॉडी जो मूव करना स्टार्ट कर देगी। ठीक है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। यानी कि जिस लिमिट तक हम फ्रिक्शन जो उसको रोके रखती है, एक जगह पे रोके रख रही है फ्रिक्शनल फोर्स, उसको हम क्या बोलेंगे, लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। क्योंकि इसके बाद अगर हम और फोर्स अप्लाई करते हैं 1000 की अप्लाई कर देंगे, तो बॉडी जो है मूव करना स्टार्ट कर देगी फॉरवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, तो दैट काइंड ऑफ द फ्रिक्शनल फोर्स इज कॉल्ड द लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द स्टैटिक फ्रिक्शन। ये जो हमारे पास स्टैटिक फ्रिक्शन है, स्टैटिक फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी, क्योंकि एक हद तक ही इस बॉडी को रोके रखते हैं फ्रिक्शन फोर्स, एक हद तक ही इसको बॉडी को रोके रखेगा ना। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन। तो एक मैक्सिमम वैल्यू जो आ जाएगी स्टैटिक फ्रिक्शन की, क्योंकि उसके बाद क्या होगा, बॉडी को मूव करना स्टार्ट कर देती है। ठीक है, तो उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं, लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बोला जाता है। अच्छा, नेक्स्ट आता है हमारे पास लॉ ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, फ्रिक्शन के कुछ एक लॉज है, रूल्स है, वो आप लोगों को याद कर रहे हैं। ठीक है, दिस आर द मोस्ट इंपोर्टेंट वन। मैक्सिमम आपको ये लॉजिकली क्वेश्चन पूछे जाते हैं एमसीक्यू में। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, पहला आ जाता है, विल ऑलवेज बी एक्ट इन द अपोजिट डायरेक्शन। जैसा कि अभी हमने लोगों ने पढ़ा कि फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में ही एक्ट करेगी। अगर मान लो बॉडी इस तरफ मूव कर रही है, ठीक है, मोशन इस तरफ है बॉडी का, तो आपकी फ्रिक्शन फोर्स उसको अपोज करने के लिए हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में ही एक्ट करेगी। ठीक है, तो पहला लॉ जो होता है, द फ्रिक्शन फोर्स ऑलवेज एक्ट इन अपोजिट डायरेक्शन टू दैट ऑफ द मोशन ऑफ द बॉडी। बस इतना याद रखना आप लोगों ने, क्या कि जो बॉडी जो मूव करती है, फ्रिक्शन फोर्स हमेशा उसके अपोजिट डायरेक्शन में चलता है। ठीक है, अगर आप बाइक वगैरह में भी मूव करोगे तो आप देखोगे ये हवा, एयर जो होती है, वो आपको बैकवर्ड डायरेक्शन में पुश करती है। ठीक है, तो किसकी वजह से करती है, फ्रिक्शन की वजह से, उसको भी हम क्या बोलते हैं, फ्रिक्शन ही बोलते हैं। एंड द नेक्स्ट वन, द फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट टेंजेंशियली। ठीक है, टेंजेंशियली क्या होता है, अगर हम एक पॉइंट यहाँ पे कंसीडर कर लेते हैं इस बॉडी के ऊपर, जैसी भी तरह की बॉडी हो, उस पॉइंट के ऊपर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दो टू फाइंड आउट द डायरेक्शन।
ठीक है, जैसे हम सर्कल मोशन में करते थे लोअर क्लास में, हम लोगों ने पढ़ा होगा, अगर हम इस सर्कल में कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो यहाँ पे एक पर्टिकुलर डायरेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे करना पड़ता है, एक पॉइंट ड्रॉ कर दो और पॉइंट से एक स्ट्रेट लाइन बना दो, दैट विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ दैट पार्टिकल। ठीक है, उस डायरेक्शन को मेंशन करता है, किसको मेंशन करेगा, डायरेक्शन को मेंशन कर देता है वो। तो ये क्या है, ये एक मेरे पास टेंजेंट ड्रॉ किया मैंने, क्या ड्रॉ किया, टेंजेंट। इन द सेम मैनर अगर हमें फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन को ड्रॉ करना है सर्फेसिस के बीच में, फ्रिक्शन फोर्स हमेशा कहां पे लगती है, सर्फेसिस के बीच में, इन बिटवीन द सर्फेस। तो यहां पे मैंने एक पॉइंट ड्रॉ किया तो उसकी यहां से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी, तो ये किसकी किसको बताएगा, ठीक है, द डायरेक्शन ऑफ द फ्रिक्शनल फोर्स। सो फ्रिक्शनल फोर्स विल ऑलवेज बी एक्ट टेंजेंट टू द सर्फेस। ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स क्या होगी, ऑलवेज एक्ट टेंजेंट टू द सर्फेस, यानी कि सर्फेस से हमेशा टेंजेंटली ही इसे एक्ट करेगी। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है, दिस वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन एंड बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ दिस फ्रिक्शनल फोर्स, और इस चैप्टर का मोस्ट बेसिकल फंक्शन यही है आपका, ये बड़ा ज्यादा काम आएगा आपके। ठीक है, क्या बोला गया है, द फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है, सॉरी यहाँ पे कैपिटल लेटर किया, फ्रिक्शनल फोर्स को आपने हमेशा स्मॉल एफ से ही रिप्रेजेंट करना है, ठीक है, टू अवॉइड द कंफ्यूजन। ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स को हम स्मॉल एफ से ही रिप्रेजेंट कर देते हैं, लेकिन कई बार एग्जाम्स में क्या होता है, आपको कैपिटल एफ भी दे दिया होता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, तो कैपिटल एफ विल आल्सो रिप्रेजेंट द फ्रिक्शनल फोर्स, लेकिन जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो उस टाइम एक एक्सटर्नल फोर्स भी होगी और एक फ्रिक्शनल फोर्स भी होगी, तो इसमें कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, तो हम उस चीज को, कंफ्यूजन को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, उसको स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला हुआ है, द फ्रिक्शनल फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन। ये बात समझने वाली है, क्या बोला गया है इस क्वेश्चन में, सॉरी क्वेश्चन में नहीं, इस लॉ में क्या बोला गया है कि फ्रिक्शनल फोर्स जो होती है इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन, यानी कि फ्रिक्शनल फोर्स को कौन डिसाइड करेगा, दैट विल डिसाइडेड बाय द नॉर्मल रिएक्शन, कि कितनी फ्रिक्शनल फोर्स उस बॉडी के ऊपर एक्ट होगी। मान लो मेरे पास दो बॉडीज हैं, ठीक है, ये लो दो बॉडीज है, ऑब्वियसली है, एक बॉडी का मैं मास मान लेता हूं 100 kg, दूसरे का मान लेता हूं 200 kg, द वेट ऑफ दिस टू बॉडीज विल एक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड, जैसा कि हम लोग करते आ रहे हैं। ठीक है, वेट किस तरह अफेक्ट करेगा, वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करेगा, और इसका भी वेट किस तरह अफेक्ट करेगा, वर्टिकली डाउनवर्ड। ठीक है, तो नॉर्मल रिएक्शन किस तरह अफेक्ट करेगी, हमने लास्ट टाइम चैप्टर में पढ़ा, नॉर्मल रिएक्शन विल ऑलवेज बी एक्ट परपेंडिकुलर टू द सरफेस, सरफेस के परपेंडिकुलर टू काउंटर बैलेंस द वेट, ये नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, वेट इज नथिंग बट इट इज द इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन प्रोवाइडेड बाय दिस अर्थ सरफेस। ठीक है, अर्थ सरफेस जो इस बॉडी के ऊपर अप्लाई जो कर रहे हैं, न्यूटन का फॉर्मूला, एक्शन रिएक्शन आर इक्वल एंड अपोजिट, अगर मेरा वेट जो इस सरफेस के ऊपर एक्शन कर रहा है तो सरफेस भी मेरे ऊपर क्या करेगा, रिएक्शन करेगा, दैट काइंड ऑफ अ रिएक्शन इज कॉल्ड दैट। ठीक है, तो यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स जो है हमारे पास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन, क्या बोला गया है, इस बॉडी के ऊपर जो फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट करेगी, यहाँ पे जो फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट कर रही है, ठीक है, इसको F1 मान लेता हूँ, और इस बॉडी के ऊपर जो फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट कर रही है इसको F2 मान लेता हूँ। ठीक है, दिस वन इज द बॉडी वन एंड दिस वन इज द बॉडी टू, बोथ आर द डिफरेंट वन। ठीक है, तो बोलते हैं इस बॉडी के ऊपर जो फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट करेगी दैट इज द स्मॉलर वन, यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो स्मॉल है, लेकिन यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स है वो लार्ज है। ऐसा क्यों, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द लॉ फ्रिक्शनल फोर्स इज डिसाइडेड बाय द नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन कितनी है, देखो इस केस में नॉर्मल रिएक्शन ज्यादा कम हो रही है, सॉरी इस केस में नॉर्मल रिएक्शन जो वो कम है, क्यों, क्योंकि वेट क्या इसका कम है, नॉर्मल रिएक्शन इक्वल टू द वेट, तो नॉर्मल रिएक्शन किसके इक्वल हुआ है, एम जी के इक्वल हुआ, तो नॉर्मल रिएक्शन कितनी प्रोड्यूस हो रही है, मास कितना है 100, तो मल्टीप्लाई बाय जी को 10 मान लेता हूं, तो कितनी रिएक्शन प्रोड्यूस हुई, 1000 न्यूटन, यानी कि इसके ऊपर जो फोर्स एक्ट कर रही है वो कौन डिसाइड करेगा, इस बॉडी का वेट डिसाइड करेगा। ठीक है, और फ्रिक्शनल फोर्स कितनी लगेगी वो भी कौन डिसाइड करेगा, इसी बॉडी का वेट डिसाइड करेगा, इस बॉडी का वेट कम है इसके ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स कम लगेगी। अब इसके ऊपर आ जाते हैं फ्रिक्शनल फोर्स सेकंड वाले केस में, तो सेकंड वाले केस में देखो फ्रिक्शनल फोर्स कितनी लग रही है, 200 वेट है इसका, सॉरी मास है एंड 10 इसके ग्रेविटी। ठीक है, तो कितनी लगेगी 2000 न्यूटन, इस केस में कम लगी रिएक्शन, इस केस में रिएक्शन ज्यादा है,
For according to the law, that friction force is directly proportional to the normal reaction. जिस बॉडी की नॉर्मल रिएक्शन कम होगी उसका फ्रिक्शनल फोर्स भी कम होगा, जिस बॉडी की नॉर्मल रिएक्शन ज्यादा होगी उसकी फ्रिक्शनल फोर्स भी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो दोनों केसेस को आप कंपेयर कर सकते हो। 100 केजी इसका मास है तो वेट कितना बनेगा इसका 1000, ठीक है 1000 के इक्विवेलेंट, मतलब रिएक्शन जो होगी वो कितनी होगी 1000। तो रिएक्शन ही डिसाइड करेगी कि फ्रिक्शनल फोर्स कितनी होगी, ठीक है इस बॉडी के ऊपर। तो इस बॉडी के ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स कम लग रही है इन कंपैरिजन टू द दिस बॉडी, क्योंकि इसका वेट ज्यादा है। जिस बॉडी का वेट ज्यादा होगा उसका फ्रिक्शनल फोर्स भी ज्यादा ही होगी। क्लियर होगी बात की सभी को, ठीक है। नेक्स्ट आया था आपके पास एरिया इंडिपेंडेंट ऑफ द एरिया इन द कॉन्टैक्ट, दिस वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट आपका एमसीक्यू में आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। व्हाई इज इट सो, क्या हुआ यहाँ पे देखो, इंडिपेंडेंट ऑफ द एरिया इन द कॉन्टैक्ट में दो बॉडीज लिखा हूं, ठीक है। दो बॉडीज आप कंसिडर कर रहे हैं तो सेम मास, एक ये बॉडी है मेरे पास और एक ये बॉडी है, 100 kg mass। अब बताओ दोनों केसेस में किसके ऊपर फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा लगेगी। तो अगर आप ऐसे सोचोगे कि फ्रिक्शन फोर्स जो है वो इस पे ज्यादा लग रही है और इस पे कम लग रही है, क्यों, क्योंकि सरफेस इन द कॉन्टैक्ट विद द सरफेस इज लेस, क्योंकि इस केस में लेस सरफेस इन कॉन्टैक्ट है और यहाँ पे ज्यादा सरफेस इन कॉन्टैक्ट है, ठीक है। तो आप ऐसा कंसिडर करोगे कि यहाँ पे कम लग रही है और यहाँ पे ज्यादा लग रही है, नो दैट इज नॉट थिंग, ठीक है, ये गलत थी। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एरिया इन द कॉन्टैक्ट, फ्रिक्शनल फोर्स जो होती है वो इंडिपेंडेंट होती है किसके, एरिया इन द कॉन्टैक्ट। चाहे आप एरिया इससे लार्जर ले लो कोई दिक्कत नहीं है, इससे लार्जर ले लेते हैं, एरिया इन द कॉन्टैक्ट। देखो यहाँ पे ज्यादा एरिया कॉन्टैक्ट में आ रहा है इसके और यहाँ पे कम एरिया कॉन्टैक्ट में आ रहा है। अभी इससे पहले हमने पढ़ा कि फ्रिक्शनल फोर्स को कौन डिसाइड करेगा, रिएक्शन। मास तो दोनों का सेम है तो ऑब्वियसली रिएक्शन भी दोनों की सेम ही प्रोड्यूस होगी, यहाँ पे भी आर रिएक्शन प्रोड्यूस होगी। तो दोनों केसेस में अगर रिएक्शन सेम है तो फ्रिक्शनल फोर्स भी तो सेम ही हुई, तो यहाँ पे भी फ्रिक्शन वही लगेगी, यहाँ पे भी सेम ही रहेगी, सेम फ्रिक्शनल फोर्स। दोनों केसेस में कोई डिफरेंस नहीं होगा कि सरफेस एरिया जो है वो ज्यादा कॉन्टेक्ट में और यहाँ पे कम कॉन्टेक्ट में, ऐसा नहीं होता, ठीक है। दोनों केसेस में जो आपका फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट करेगी वो सेम ही रहेगी, इसमें कोई डिफरेंस नहीं होगा। दैट्स व्हाई इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया इन द कॉन्टेक्ट, ठीक है। एरिया चाहे जितना मर्जी आपका कॉन्टेक्ट में रहेगा, ठीक है, जितना मास अगर दोनों का इक्वल है तो दोनों के ऊपर इक्वली ही फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट करेगी, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स को कौन डिसाइड करता है, इट इज डिसाइडेड बाय द नॉर्मल रिएक्शन, है नॉर्मल रिएक्शन इज डिसाइडेड बाय द वेट ऑफ दैट बॉडी, ठीक है। और इसको कौन डिसाइड करता है, वेट ऑफ द बॉडी, जिस बॉडी का वेट ज्यादा होगा उसमें ही फ्रिक्शनल फोर्स ज्यादा लगेगी और जिसका कम होगा उसमें फ्रिक्शनल फोर्स कम लगेगी। लेकिन यहाँ पे दोनों केसेस में वेट तो सेम ही है, वेट सेम है तो फ्रिक्शनल फोर्स भी दोनों के लिए सेम ही, तो इसका मतलब जो एरिया इन कॉन्टैक्ट होगा वो कभी भी फ्रिक्शनल फोर्स के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है। चाहे आप एक पॉइंट पिन ले लो, अगर मैं इसकी जगह पे एक बहुत बड़ी नेल ले लेता हूँ, ठीक है, विच इज इन द पॉइंट कॉन्टैक्ट विद दिस सर्फेस, तो इसका सर्फेस तो पॉइंट कॉन्टैक्ट में, अगर मैं इसको भी स्लाइड करवाऊंगा तो इसके ऊपर भी सेम फोर्स ही अप्लाई होगी, फ्रिक्शनल फोर्स तीनों के केस में सेम ही चलेगी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इसमें ज्यादा इसमें कम और इसमें बड़ी ज्यादा कम है, नहीं, क्योंकि तीनों का वेट जो है वो एक जैसा ही है, ठीक है। वेट एक जैसा है तो रिएक्शन एक जैसी प्रोड्यूस होगी, रिएक्शन एक जैसी प्रोड्यूस हो रही तो फ्रिक्शनल फोर्स भी एक जैसा ही रहेगा सभी के केस में। दैट्स व्हाई यू कैन से दैट द फ्रिक्शनल फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एरिया इन द कॉन्टैक्ट, फ्रिक्शनल फोर्स जो इंडिपेंडेंट होती है किससे, एरिया इन कॉन्टैक्ट से, ठीक है। लास्ट फैक्टर आ जाता है आपके पास नेचर ऑफ द सर्फेस, सर्फेस की नेचर कैसी है, ठीक है। अब हमने देखना है कि नेचर कैसे रखी है सरफेस की। मान लो मेरे पास दो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे सेम वेट का सेम मास का ऑब्जेक्ट इस सरफेस पे चल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने जो सरफेस रखा है दैट इज द स्मूथ वन और यहाँ पे जो सरफेस रखा है दैट इज द रफ वन, ठीक है। अब देखो ऑब्वियस ही बात है, अगर मैं इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करता हूँ, ठीक है, तो क्या होगा, तो ये बड़ी जल्दी मूव करने लग पड़ेगा, लेकिन ये कम मूव करने लग पड़ेगा, क्यों, क्योंकि मैंने नेचर जो है सरफेस की, नेचर ऑफ सरफेस, सरफेस की नेचर जो है, सरफेस की जो नेचर जो है
वो कैसी है, स्मूथ है, लेकिन यहां पे कैसी है, रफ है ये सरफेस, ठीक है। तो रफ सरफेस पर आपको ज्यादा फ्रिक्शन एक्ट होगी और स्मूथ सरफेस में आपको कम फ्रिक्शन एक्ट होगी। तो दिस वन इज ऑल अबाउट द लॉज ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। तो ये आप लोगों ने अच्छे से लर्न कर रहे हैं, इजी टू अंडरस्टैंड, अच्छे से ध्यान से करोगे तो बड़े आराम से हो जाएंगे, ठीक है। और सारा का सारा बिल्डिंग ब्लॉक है, यहाँ से ही आपका पूरा चैप्टर जो इसी के ऊपर ही बेस्ड होगा।